हल्द्वानी में व्यापारियों की सर्वे रिपोर्ट को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जहां देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें जीएसटी के नाम पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर व्यापारियों का सरकार के प्रति गुस्सा देखने को मिला। वहीं व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी के नाम पर सरकार ने व्यापारियों की सर्वे रिपोर्ट कराने की बात की है, जो व्यापारियों के साथ सरासर उत्पीड़न है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन खरीदारी के चलते उनके व्यापार पर बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। साथ ही मामले को लेकर शीघ्र प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने की बात कही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। व्यापार जो करते हैं लोग बाग, वो ईमानदारी से टैक्स देते हैं और सरकार की तरफ से भी व्यापारियों को आशा होती है कि उनको कुछ सहूलियत दी जाए, लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि जीएसटी के नाम पर जिस तरीके से सर्वे किया जा रहा है, एक प्रकार से व्यापारियों का उत्पीड़न है। देखनी है, सब कुछ देखना है, उसका आमदनी ही कितनी है, उसकी बैलेंस शीट ही क्या है। वो अगर 20 30 50 लाख रुपए का साल में व्यापार कर रहा है, उसका 10% अगर निकाले 5 लाख 4 लाख रुपए साल में कमाता है, उसमें से उसने परिवार देखना है, समाज देखना है, बच्चों की फीस देखनी है, स्कूल की फीस देखनी है, अपना खर्चा देखना है, चिकित्सा देखनी है, शिक्षा देखनी है, बहुत सारी चुनौती है।